और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट के सुशांत सिंह राजपूत मामले में फैसले के बाद अब सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार के जाने के तरफ इशारा कर दिया, दूसरी तरफ संजय राउत इस फैसले के बाद तिलमिलाए हुए हैं और वहीं पर महाराष्ट्र में इसको लेकर किस तरीके से घमासान मच गया है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय ने तुरंत आपात बैठक बुलाई है और ये दिखाता है कि इससे पहले गृह मंत्री ने कहा था कि सीबीआई की जरूरत नहीं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि अब सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद किस तरीके से महाराष्ट्र में हलचलें बढ़ गई और तुरंत आपात बैठक बुला ली गई है। तो आखिर क्या है सुशांत सिंह राजपूत मामले में ऐसा जिसे महाराष्ट्र सरकार छुपाना चाहती है और इसीलिए वहां पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इससे पहले अगर देखें तो संबित पात्रा ने जो इशारों में बात कही, उन्होंने कहा है कि पहले महाराष्ट्र सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों जल्द ही सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। तो उन्होंने जो इसमें रिया चक्रवर्ती को इंक्लूड करते हुए जो ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने जो लास्ट लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि दोस्तों जल्द ही सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। यानी कि कुछ ऐसे इशारे उन्होंने किए हैं कि महाराष्ट्र सरकार अब इसमें फंस रही है और इसीलिए इतने दिनों से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब इसी को लेकर अगर बात करें तो जनता और तमाम बीजेपी के नेता थे जो ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री को और साथ में उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां तक कि जनता डीजीपी परमवीर सिंह का भी इस्तीफा इस पर मांग रही है। लेकिन इस पर संजय राउत किस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं और उनका कहना है कि अगर इस्तीफे की बात आती है तो ये बात दूर दिल्ली तक जाएगी, राज्य की बदनामी करना ठीक बात नहीं है। आखिर किस बदनामी से संजय राउत डरते हैं? और वहीं पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और इस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है और इसकी जाँच हम करेंगे और तब फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील से ऑर्डर कॉपी भेजने को कहा है। और यही बयान अगर देखें तो वहां के गृह मंत्री जो इससे पहले ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं और इस मामले को सीबीआई जांच तक ले जाने कोई उचित भी नहीं होगा, गृह मंत्री और जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है, कॉपी मिलने के बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। और इससे पहले अगर हम देखें तो संजय राउत का भी बयान यही है कि हम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं साथ साथ डीजीपी का भी यही बयान है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि गृह मंत्रालय ने जो आपात बैठक बुलाई है और आपात बैठक के साथ साथ जो बयान किसके जिस तरीके से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कई दिनों से कुछ ऐसा है जो उबल रहा था और आज उस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं देगा। और जिस तरीके से वो अपनी मनमानी कर रहे थे, मुंबई पुलिस पर दबाव बनाकर जिस तरीके से जांच करा रहे थे, वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे बॉलीवुड में कई ऐसी मौतें हुई हैं जो मिस्ट्री बनकर रह गई हैं, ये भी ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वैसे ही अगर देखें तो संजय राउत की तिलमिलाहट और वहीं पर आपात बैठक और साथ में डीजीपी का जो बयान आता है, सारी चीज़ें दिखाती है कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये इतने दिनों से सीबीआई का विरोध कर रहे थे। अब अगर बात करें तो संबित पात्रा का, संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है और इशारों में जो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार गिर रही है, और इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में वो दिन आने वाले हैं जहां पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हाथ से सत्ता जाने वाली है। और इससे पहले अगर संजय राउत का बयान देखें तो आदित्य ठाकरे का जब नाम इसमें सामने आया था और कई लोगों का ये कहना था कि इसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, और इसके बाद संजय राउत ने खुलेआम धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आदित्य ठाकरे का नाम कोई लेता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं पर अब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की बदनामी होती है तो बात दिल्ली तक जाएगी। यानी कुछ ऐसा है जिसमें सरकार की बदनामी होगी और उसी की वजह से सरकार जाएगी, क्योंकि संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया और इसी के साथ अगर देखें तो रोहित चहल ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले दिन से ही बीज बो रिया है, महाराष्ट्र सरकार अब रो रिया है। यानी कि पहले दिन से ही उन्होंने बीज बोना शुरू कर दिया था, यानी कि पक्षपात जिस तरीके से कर रही थी, रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रही थी, और कहीं ना कहीं जो इसमें मेन भूमिका में जो लोग थे उनको भी बचाने की महाराष्ट्र सरकार
भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और उसके जो मंसूबे थे उस पर पानी फिर गया है। और वहीं पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये न्याय की जीत है, मैं न्यायमूर्ति को प्रणाम करता हूँ। साथ में उन्होंने ये बताया कि इस फैसले में मुंबई पुलिस ने क्या किया सबने देखा है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे 130 करोड़ जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था थी वो और ज़्यादा दृढ़ हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट कर सकें। तो उनका ये बड़ा बयान है रिया चक्रवर्ती को लेकर। और वहीं पर जिस तरीके से आरोप बिहार पुलिस पर लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ये आरोप लगा रही थी कि इसमें सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन ये अगर बात करें तो पहले से ही जनता ने ही इस मांग को उठाया था। और उसके बाद कुछ पत्रकार अर्णव गोस्वामी जैसे जिन्होंने इसको उठाया था, और हमने पहले दिन से ही ये मांग की थी कि इसमें सीबीआई जांच हो। कुछ मीडिया चैनल जो इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और कुछ इसके साथ वकील सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ कंगना रनौत जैसे जो बॉलीवुड के एक्टर भी हैं, वहीं उनकी परिवार की जो मेहनत थी वो रंग लाई है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके मुंह पर अब ताला लग गया है, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि इसमें सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं और इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि इससे मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जाए, तो राजदीप सरदेसाई के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। और साथ में ही मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ संजय राउत के लिए जो इतने दिन से बयानबाजी कर रहे थे और अब कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही और किस तरीके से वो इस पर मौन हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें वहीं देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के तमाम लीडर हैं जो इस पर ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है और अब सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। जय पांडा हो या फिर नीतीश कुमार हो या रविशंकर प्रसाद, सबका बयान इस पर आ चुका है और उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है, सीबीआई अब जांच करेगी। और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जांच में जो कुछ भी निकलेगा उससे महाराष्ट्र सरकार की ही मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस इतने दिनों से पूछताछ कर रही थी और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ें थी, कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। और उसके बाद जैसे ही बिहार पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसमें किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। और इससे पहले अगर हम देखें तो मुंबई पुलिस को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ था कि इन्होंने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की है, तो इससे ये देखा जा रहा था कि बिहार पुलिस के पक्ष में ही ये मामला है, क्योंकि पहले उन्होंने FIR दर्ज की और उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, और मुंबई पुलिस सिर्फ और सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, और साथ में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने भी इस पर कहा है कि कोर्ट ने हमारे सभी मुद्दों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन परिवार और फैंस के लिए बेहद ही खास है। साथ में अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के अगर बीच हम देखें तो एक चीज़ खास थी, वो था पार्थ पवार का ट्वीट। पार्थ पवार ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते। तो संबित पात्रा का ट्वीट और उसके साथ में पार्थ पवार का ट्वीट अगर हम देखें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ NCP जिसमें शरद पवार महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं और दूसरे तरफ NCP के ही बड़े नेता के पोते जो पार्थ पवार हैं वो किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और उसके बाद अब उन्होंने सत्यमेव जयते लिखकर ये दिखाया है कि किस तरीके से शरद पवार के ही घर में एक मत नहीं है। एक तरफ उनका पोता जो सीबीआई जांच के लिए खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शरद पवार जो महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े हुए थे। अब इसमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं और क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि इसमें शक के दायरे में इसलिए महाराष्ट्र सरकार आती है क्योंकि जो भी गतिविधियां सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद हुई हैं वो साफ साफ ये इशारा करती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का हाथ है, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इन सब चीज़ों से बच रही थी क्योंकि
तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आपात बैठक बुलाई गई है, ये चीजें दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा है जो महाराष्ट्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो सच सामने आएगा। और 130 करोड़ जनता की जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को देखते हुए फैसला लिया है। और आज अगर देखें तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये मुहिम चलाई थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वो मुहिम आज रंग लाई है। और आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए फैसला सुना दिया है, और उसमें संजय राउत समेत तमाम महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं जो इस बात से तिलमिलाए हुए हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।